प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी, एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और पीआर तथा माध्यिका पीएम। तो अन्य त्रिभुज पी क्यू की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती है, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हमारे पास एक तो त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसमें माध्यिका है हमारे पास एडी और इसमें माध्यिका है हमारे पास पीएम। हमें क्या दे रखा है कि एबी एसी और एडी, इधर से पी क्यू पी आर और पीएम, ये समानुपात में ये हमें दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 12 याद हो, क्वेश्चन नंबर 12 था जो हमारा, यही तो था, उसमें क्या था, ए बी बटे में पी क्यू, बी सी बटे में पी आर, बी सी एबी बटे में पी क्यू और बीसी बटे में क्यू आर और एडी बटे में पीएम, यानी कि उसमें एबी और बीसी दी हुई थी, इसमें एबी और एसी दी हुई है, बाकी सारा काम वैसे ही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो हमने क्या किया था, एक तो त्रिभुज ली थी एबीडी और एक ली थी पी क्यू एल। पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, इसमें हमने क्या किया था कि ये जो गिवन था इसमें जो बीसी है वो बीडी का डबल है, तो बीसी की जगह पे लिख दिया था 2BD, तो ये हो गया था AB बटे में PQ 2BD बटे में, इसी तरह से जो क्यू आर है वो QM का डबल था, तो हमने लिख दिया था 2QM और ये AD बटे में PM, तो ये इसके साथ 2 कैंसिल हो गया था। अब AB बटे में PQ, BD बटे में QM और AD बटे में PM, भुजाएं समानुपात में होगी, यानी कि दोनों त्रिभुजें समरूप हो गई थी, दोनों त्रिभुजें समरूप हो गई थी तो जो संगत कोण है वो बराबर होंगे, यानी कि कोण बी और कोण क्यू हमारे पास क्या हो गया था, बराबर हो गया था। अब वापस बड़ी त्रिभुजों पे आ गए थे, इसके बटे में ये और इसके बटे में ये तो दिया ही हुआ था, बराबर ही था, और उनके बीच का कोण भी हमने बराबर दिखा दिया था इसकी सहायता से, यानी कि दोनों त्रिभुजें समरूप हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी यही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या यूज किया था, हमने ये वाली त्रिभुज यूज की थी, ये वाली त्रिभुज यूज की थी। अब इसमें हमारे पास जो कोण था वो कोण कौन सा कोण था, हमारे पास जो कोण कोण था वो बी और क्यू आगे थे हमारे पास दोनों भुजाओं के लिए। अब की बात एबी और एसी है, तो एबी और एसी यानी कि ये कोण चाहिए हमें, ये कोण इसके लिए या ये कोण इसके लिए, तो इस तरह से हमें चलना है। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई इस क्वेश्चन को हम अब किस तरह से इसको कंप्लीट करें। प्यारे बच्चों अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा तो है लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12 जैसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में हम ये जो हमारे पास माध्यिका थी एडी
इसको हम BD इज इक्वल टू DC लेके, BD और DC को बराबर लेके हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दिया था, और फिर इन दोनों भुजाओं का जो हमारा कोण था AB और BC के बीच का, और इधर PQ और QR के बीच का कोण बराबर दिखा दिया था, तो ऐसे है समरूप का जो नियम है वो लागू हो गया था। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि जो भुजाएं हैं वो AB और AC हैं, AB और AC हैं, तो कोण हमें ये बराबर दिखाने पड़ेंगे, कोण A और कोण P। तो कोण A और P में BC का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, तो यहां से हमें किसी और तरीके से चलना पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए। तो थोड़ा सा समय बचाने के लिए हमने इसको पहले ही लिख लिया है। अब देखें, आप हमें दिया गया है एक तो त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR। उसमें क्या है कि AB के बटे में PQ, AC के बटे में PR और AD के बटे में PM, ये अनुपात में है, समानुपात में है। और क्या है, AD त्रिभुज ABC की और PM त्रिभुज PQR की माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है तो इसका मतलब BD और DC बराबर है, या फिर हम लिख सकते हैं कि जो BD है, जो BC है वो BD का डबल है, या DC का भी डबल है, क्योंकि BC इन दोनों को मिला के बनेगी ना, और BD और DC बराबर है, तो हम BC को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 BD लिख लिया हमने, जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे, नहीं फिलहाल इससे आप काम चला सकते हो। ठीक इसी तरह से QM और MR बराबर है, ये हमने लिख लिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में समरूप है। तो यहां पे हमने इसके लिए एक रचना की है कि AD को हमने D तक इस तरह से बढ़ा दिया है कि AD और DE आपस में बराबर है। यहां पे लिख दिया AD को E तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि AD बराबर है DE। अब B और E को मिला दिया, और E और C और E को भी मिला दिया। ठीक इसी प्रकार हमने PM को N तक बढ़ा दिया। किस तरह से बढ़ाया कि PM बराबर है MN, क्यू को N से और R को N से मिला दिया। तो ये हमने रचना कर ली। अब प्यारे बच्चों आप देखें, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECD में, ABD इस त्रिभुज में, और एक ECD इस त्रिभुज में, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन त्रिभुजों में देखो ABD और ECD इन त्रिभुज में। अब आप इन त्रिभुजों को अगर आप देखें तो ये AD और DE आपस में बराबर है, क्योंकि हमने रचना से किया था, ये AD और DE बराबर आपस में रचना से। और BD और DC ये वैसे ही बराबर है, समीकरण एक से कह लो, या फिर दिया गया है ये कह लो, क्योंकि माध्यिका है AD, दो हो गए। अब दूसरी बात, आप ये देखें कि कोण एक और कोण दो भी तो बराबर है, मतलब तो दो शीर्षाभिमुख कोण हो गए, कोण एक और कोण दो बराबर है शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो एक त्रिभुज की दो भुजाएं कौन कौन सी, इसकी इस त्रिभुज की अगर हम बात करें ABD की, तो ये भुजा दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, इसी तरह से दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका बीच का कोण आपस में बराबर है। देखो समानुपात में नहीं है, भुजाएं दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर है, और उनके बीच का कोण भी बराबर है, तो दोनों त्रिभुजें कैसी होंगी, सर्वांग सम होंगी। तो सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का हमने निशान लगा दिया। अगर सर्वांग सम होगी तो सारे अंग समान होंगे, यानी कि तीसरी भुजा भी बराबर होगी, यानी कि AB भुजा किसके बराबर होगी, CE के बराबर होगी, AB CE या EC के बराबर होगी, AB CE के बराबर कह लो या EC के बराबर कह लो, ये बराबर होगी। अब देखो ठीक यही काम हमने इन दोनों में करना है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि PQ किसके बराबर होगी, RN के या NR के, तो इसी प्रकार लिख सकते हो आप कि इसी प्रकार PQ बराबर है RN। यहां पे हमने प्रूव कर दिया इसको, लेकिन आप यहीं पे लिख सकते हो कि इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि PQ बराबर है NR कह लो या RN कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन यहां पर भी बना दिया है कि त्रिभुज PQM में और त्रिभुज NRM में, PQM और त्रिभुज NRM में, NRM में। अब आप देखेंगे कि ये इसके बराबर है
ये इसके बराबर है, शीर्ष अभिमुख कोण बिल्कुल सेम स्टार, और त्रिभुज सर्वांग सम होगी तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, यानी कि पी क्यू और एन आर आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हमने दो और तीन समीकरण बना लिए। अब समीकरण एक पे आ जाओ, समीकरण एक था हमारा एबी बटे में पी क्यू, एसी बटे में पी आर और एडी बटे में पी एम, ये समीकरण एक ये दिया हुआ था, ये हमारे पास दिया था। तो हमने एबी की जगह पे क्या लिख दिया ईसी, और पी क्यू की जगह पे क्या लिख दिया एन आर, ये दोनों एसी और पी आर ये हमने ऐसे ही रखे। अब एडी पे आ जाओ, देखो एडी यहां थोड़ा सा समझना है आपको, देखो एडी और डीई आपस में बराबर है, एडी और डीई आपस में बराबर है, तो एई एई डीई का डबल होगा ना, सॉरी हाँ डीई का भी डबल होगा और एडी का भी डबल होगा, एडी का डबल होगा, एई इस एडी का डबल होगा, या फिर एडी कितना होगा एक बटा दो होगा एई का, एडी होगा एक बटा दो एई का, तो एडी की जगह लिख दिया एक बटा दो एई। इसी तरह से पीएम, पीएम क्या होगा एक बटा दो होगा, आधा होगा किसका पीएम का, आधा पीएम, इस हाफ के साथ ये हाफ कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास आ गया ईसी बटे में एन आर, एसी बटे में पी आर और एई बटे में पीएम। तो देखो भुजाएं समानुपात में आ गई, भुजाएं समानुपात में आ गई तो त्रिभुजें कैसी हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी, यानी कि त्रिभुज देखो ईसी बटे में एन आर, ईसी ईसी बटे में एन आर, एसी बटे में पी आर, एसी बटे में पी आर, एई ये और पी एन ये, यानी कि ये त्रिभुज पूरी और ये इधर वाली त्रिभुज पूरी, ये आपस में समरूप होगी। अब अगर ये आपस में समरूप होगी, अभी यहां पे समरूप हुई है, यहां पे सर्वांगसम नहीं है क्योंकि भुजाएं अनुपात में है, अगर ये समरूप होगी तो इनके संगत कोण बराबर हो गए, तो इस वजह से इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए हम कह सकते हैं कि कोण पांच और कोण सात बराबर है, ये हमने लिख दिया। जैसे हमने इस त्रिभुज के लिए प्रूव किया है यही सारा काम फिर इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुजों के लिए प्रूव करेंगे ए बी ई और पी क्यू एम के लिए, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमने लिख दिया कि इसी प्रकार हमारा जो कोण छह है किसके बराबर हो जाएगा, कोण आठ के बराबर हो जाएगा। हमने इन दोनों को जोड़ दिया समीकरण चार और पांच को, पांच और छह इधर सात और आठ, देखो पांच और छह कोण को जोड़ोगे तो पूरा कोण ए हो जाएगा और सात और आठ को जोड़ोगे तो कोण पी हो जाएगा पूरा, तो कोण ए और पी बराबर आ गया। यही तो हमें करना था, ये भुजाएं तो समानुपात में थी पहले ही, ये कोण बराबर दिखाने थे, तो भुजा कोण भुजा समरूपता नियम लग जाएगा और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगी। तो अब यहां पे हमने बाकी का पार्ट यहां लिख दिया कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में एबी बटे में पी क्यू और एसी बटे में पी आर ये तो दे ही रखा था, तथा एबी कोण ए बराबर है कोण पी, ये हमने समीकरण छह से निकाल लिया। तो भुजा कोण भुजा समरूपता नियम के अनुसार त्रिभुज एबीसी समरूप होगी त्रिभुज पी क्यू आर। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है और दो तीन बार इसकी प्रैक्टिस करनी है तो फिर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।